सब कुछ समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? आ रहा है सर, समझ में। कैसा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बता दीजिए। सर अच्छा पढ़ रहा है सर। कोई आके यहाँ सीखना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? इधर चाहिए सिखाना, किधर भी गए तभी इतना नॉलेज तो देता ही नहीं। हाँ। बेसिक नॉलेज कुछ भी देता ही नहीं। हाँ। और डीपली मतलब कोई भी सिखाता नहीं, आधा आधा सिखा के छोड़ देते हैं। आधा सिखा के छोड़ते हैं। मेरा साथ वाला भी बाहर जाके गया, आधा आधा सीख के फिर इधर ही चाहिए। ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके आया। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक सैमसंग का हैंडसेट है। क्या मॉडल है ये? A50 हैंडसेट है और इसमें यहाँ पे है A50S, यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इसको भी हम रिमूव करेंगे यहाँ पे मग्मा FRP टूल से। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे USB केबल के थ्रू। और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में हमें पोर्ट बनना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडम सैमसंग मोबाइल USB मॉडम, यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल हमारा कनेक्ट है और मग्मा FRP टूल यहाँ पे हमने ओपन करके रखा है। अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये जो कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे डिवाइस का सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, सैमसंग A57FN मॉडल नंबर है डिवाइस। ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनलॉक सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल को ऑफ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऑफ करें। ऑफ करो। यहाँ पे तीनों बटन होल्ड करके रखना है आपको और जैसे ही मोबाइल ऑफ हो जाए आपका तो यहाँ पे इसे हम हार्ड रिसेट करेंगे। वॉल्यूम अप प्लस पावर की यहाँ पे प्रेस करके रखना है आपको रिकवरी मोड में ले जाने के लिए। उसके बाद हम इसे फैक्ट्री रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल सैमसंग के लिए बहुत अच्छा है बट इसके लिए आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट और ये सैमसंग का A50S हैंडसेट यहाँ पे ऑन होते हुए कितना क्रेडिट। तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करेंगे उसके बाद में यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद में सिस्टम रिबूट कर देंगे। हाँ, तो पांडू आप ही करें ना अपने हाथ से। हाँ, मैं कर रहा। साथ में आप UFI भी सीखे हो अभी, कितने दिन का क्लास हो गया UFI का? UMC सॉफ्टवेयर आपने सीखे? 5 दिन का। सब कुछ डीपली लेवल में आपने लिखा भी है उसमें। थोड़ा सा बुक बता सकते हैं जो आप लिखे? ये सॉफ्टवेयर प्लस UMC का इन्होंने जो प्रैक्टिकली प्लस थ्योरी जो लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं बेसिक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर से लेके
चिपसेट कितने कितने टाइप के हैं, फ्लैश फाइल हो गया, या कौन से मोड पे मोबाइल कनेक्ट होता है आपका, टूल कौन से फ्री आप यूज कर सकते हैं, और सारी चीज यहाँ पे इनको लिखाई गई है। यहाँ पे यूएफएस के बारे में यहाँ पे लिखा है, क्या इसमें जंपर लगाने होते हैं, और अगर वही ईएमसी है तो क्या उसमें जंपर लगाने होते हैं, कौन से सॉकेट वर्क करते हैं, सब कुछ यहाँ पे इनको लिखाया गया है। कितने वोल्टेजेस पे काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईएमसी कैसे वर्क करता है, यूएफएस कैसे वर्क करता है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। 90% कंज्यूम हो गया है हो, या फिर आपको यूएफएस की प्रोग्रामिंग हो गई इजी अटैक फाइल मैनेजर के साथ, या फिर इजी अटैक प्लस, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। प्रोग्राम कैसे करना है, तो ये जो लिखे आप खुद लिखे ना अपने हाथ से, समझ में आ रहा है आपको? ऑलरेडी आपका वीडियो भी मैं डाला प्रोग्रामिंग करके, काफी सारे अभी आप अनलॉकिंग ये ऑनलाइन भी सीख रहे हो, ऑफलाइन भी सीख रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? कैसा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए सर, अच्छा पढ़ रहा है। कोई आके यहाँ सीखना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? किधर भी गए तभी इतना नॉलेज तो देता ही नहीं, देता ही नहीं, और डीप लेवल तक कोई भी सिखाता नहीं, आधा आधा सिखा के छोड़ देते, आधा सिखा के छोड़ते हैं। हमारा साथ वाला भी बाहर जाके गया तो आधा आधा सीख के फिर इधर ही चला, ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके आया। ठीक है साथ वाले, तो जो समझ जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है ना, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, ऐसा कुछ छोड़ तो नहीं रहे? नहीं नहीं, आप सब लाइव रिपेयर होते हुए देख रहे हैं सेट्स? देख रहे हैं, चाहे डबल डेकर हो या जो भी हो, कोई भी रहे ठीक हो जाए, सब बन रहे ना यहाँ पे, सब बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैड रिसेट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सैमसंग के जो भी लेटेस्ट हैंडसेट है, आप उसका FRP या पैटर्न रिमूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल है, मैग्मा FRP टूल, और बहुत ही इजीली इसमें काम हो जाता है आपका, और इसमें डेड रिक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले हम कॉम्बिनेशन फाइल से करते थे, उसके बाद वापस से उसे फ्लैशिंग करते थे, तो थोड़ा सा प्रोसेस बहुत बड़ा था, और अभी जो है प्रोसेस बहुत आसान हो चुका है। अगर आप सैमसंग की FRP अगर आप USB के थ्रू करना चाहते हैं, तो ये एक मैग्मा FRP टूल जो कि बहुत ही अच्छा टूल है, जिसका वर्जन 2.2 अभी लेटेस्ट चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट यहाँ पे लिखा है MTP मोड में, जो कि ऑन हैंडसेट को आपको USB केबल लगाना है और ड्राइवर बनाना है मॉडर्न सैमसंग के, और उसके बाद यहाँ पे वन क्लिक में आपका इस तरह का यहाँ पे एक टैब रनिंग होगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके हैंडसेट की, और उसके बाद आपको जब ये सारा हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो अब आपको इसमें फैक्ट्री रीसेट करना है हैंडसेट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी लोगो पे है, क्योंकि ये पूरा इरेज करेगा और उसके बाद ये हैंडसेट ऑन होगा। सब ऑन करके खोलना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा हैंडसेट परफेक्टली रीसेट हो चुका है। सो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं ये हैंडसेट इनका ऑन हो चुका है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसे, नेक्स्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद में स्किप दिस फॉर नाउ, देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे आ चुका है, यानी हमारा हैंडसेट पूरा फैक्ट्री रेज हो चुका है, इसका पैटर्न पासवर्ड हट चुका है। पर पूछा भी नहीं। सो फ्रेंड्स जॉब डन।